नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू और आप देख रहे हैं जाट मशीन। गाइस, आज हम बात करेंगे इन्वर्टर के बारे में। अगर आपका इन्वर्टर पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, ना ही चार्जिंग करे और ना ही आपका इन्वर्टर जो आपको बाईपास करके सप्लाई दे, यानी कि आउटपुट जो होता है वो भी आपका वर्क करना बंद कर दे इन्वर्टर का, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी वर्क करना पड़ेगा। चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आपको हम दिखाते हैं, आज बताते हैं इन्वर्टर के बारे में, ऐसा क्या आपको नहीं करना है जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम आते हैं इन्वर्टर में, जो कि आपका इन्वर्टर पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आते हैं, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं और आपको फिर ये सर्विस सेंटर कॉल करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम होता है जो आपको शायद पता नहीं होगा, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम आते हैं। तो आप जब भी इसका आउटपुट देते हैं, जो भी हमारा इसमें इन्वर्टर का जो कनेक्शन किया हुआ रहता है, तो आप इसमें कितना मैक्सिमम लोड पर चला सकते हैं इसको, जो कि ये कितना एम्पियर तक इसमें लोड की क्षमता है, तो उस अनुसार आप इसको चलाएंगे तो ये आपको हमेशा वर्क करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे आपके साथ। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस इन्वर्टर की बात करते हैं, ये हमारा 1050 बी एक ऐसा इन्वर्टर जो कि देख सकते हैं अभी ये चार्जिंग मोड में है, जो 192 प्लस वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहा है। और ये हमारा जो देख सकते हैं गाइस, ये बैकअप है, यानी कि अगर आपको सप्लाई नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये लाइट जलेंगे, और अभी ये चार्जिंग मोड में है। और इधर से बात करें गाइस, तो अभी नॉर्मल और UPS मोड में है, और यहाँ पे ये जो ये चार्जिंग का मोड है कि आपको कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है ताकि आपका इन्वर्टर जो अच्छा तरह से वर्क करे, ये नॉर्मल चार्जिंग और ये हाई चार्जिंग दिया गया है आपको, ये बीच वाले पे रखना है और यहाँ पे नॉर्मल में रखना है, न कि UPS मोड में, क्योंकि UPS मोड में आप रखेंगे गाइस तो ये चार्जिंग आपका वर्क जो है बहुत फास्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी फॉल्ट नहीं होता है। अगर आपके यहाँ सप्लाई जाते हैं तो डायरेक्ट ये सप्लाई देते हैं, जिसके कारण इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप हमेशा नॉर्मल मोड में रखें ताकि आपका इन्वर्टर जो अच्छा से ज़्यादा दिन तक वर्क करते रहेंगे। तो आपको हम गाइस दिखा देते हैं वो प्रॉब्लम, जो इसको मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ इसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आए हुए थे, जो छोटा सा प्रॉब्लम है जो, और आपको हम दिखाते हैं गाइस। तो आप हमारे चैनल पे बने रहे, देख सकते हैं इसको हम चेंज कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं हमारा चालू है, जो कि अभी यहाँ पे चार्जिंग मोड में हमारा ये चार्जिंग कर रहा है इन्वर्टर, और यहाँ पे वोल्टेज की बात करती है हमारा 172 वोल्टेज अभी हमारे यहाँ पे इन्वर्टर में है। इसको हम पहले बताएंगे गाइज कि आप कभी भी ऐसा छोटा प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान नहीं होंगे। इसको हम खोल लेते हैं, देख सकते हैं गाइज हम इसको खोल लिया, और आपको हम जूम करके दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, जिस वजह से सबसे पहले गाइज हम इसको ऑफ कर लेते हैं, और आपको इसमें प्रॉब्लम ये अभी बहुत हीट है गाइज, मैं जूम करके आपको हम दिखा देते हैं, आपको करना कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे जो आपको दो रेड कलर का CH4040 का दो फ्यूज दिख रहा है, आप अच्छा से ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद पता चल जाएंगे जो यहाँ पे हैं। और इसी में गाइज आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए गाइज यही दो है जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर जो है वर्क करना छोड़ दिए थे, जिस वजह से बहुत परेशान थे, और यही दो हम चेंज किए हैं और हमारा इन्वर्टर जो बहुत अच्छा तरह से अभी वर्क कर रहे हैं, जो कि इसको सिर्फ आपको पिलास से निकाल लेना है आराम से, ऊपर और दूसरा जो ये उसमें अटैच कर देना है। इसमें आप इसको अच्छा से ध्यान से देखेंगे गाइस, इसमें बीच में जो है इसका जॉइंट रहता है, जो कि ये दोनों जल चुका है अंदर में, और इसी की वजह से हमारा ये इन्वर्टर वर्क करना छोड़ दिए थे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।